अरे बेटा, तुम दोनों परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए अगले महीने ही सारी चीज ला दूंगा। ठीक है पिताजी, अब हम दोनों खेलने के लिए जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तुम दोनों जल्दी ही घर वापस आ जाना। इतना सोचकर दोनों भाई खेलने के लिए अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। अजी, आप इन बच्चों को क्या समझा रहे थे? और कुछ नहीं सेठानी जी, मैं बस इन दोनों का बचपन जी रहा था। अरे जरा उधर देखिए, उन दोनों पक्षियों के जोड़े को, वह दोनों अपने बच्चे को कैसे प्रेम कर रहे हैं। इनके इस प्रेम को देखकर कितने आनंद की अनुभूति होती है। हाँ सेठानी जी, आप एकदम ठीक कह रहे हैं, इन्हें देखकर तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। इसी प्रकार दोनों सेठ और सेठानी का परिवार खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। अरे सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ? आज तुम इतना गुमसुम क्यों हो? क्या बात है? अजी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लगता है जल्दी ही मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अरे सुंदरी, तुम ऐसी बात क्यों करती हो? तुम चिंता ना करो, मैं अभी जंगल वाले साधु बाबा के पास जाता हूँ और दवाई लेकर जल्दी ही आ जाता हूँ। इतना कहकर चीड़ा वहाँ से उड़कर चल देता है। कुछ ही देर में चीड़ा साधु बाबा के पास पहुँच जाता है। खोलिए बाबा, मेरी मदद कीजिए बाबा। क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो? क्या बताओ बाबा, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अपनी पत्नी के लिए आपके पास दवाई लेने आया हूँ। फिर साधु उसे कुछ पत्तियाँ देता है। हे पंछी, तुम इन पत्तियों का रस निकाल कर अपनी पत्नी को पिला देना, तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी अकेली है। इतना कहकर चीड़ा वहाँ से उड़कर चल पड़ता है और जल्दी अपने घोंसले में पहुँच जाता है। अरे सुंदरी, तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आया हूँ, तुम जल्दी से इसे खा लो, तुम ठीक हो जाओगी। बेचारा चीड़ा उसे उठाता रहता है, लेकिन चिड़िया अब कहाँ उठने वाली थी, वह तो इस दुनिया को अलविदा कहकर बहुत दूर जा चुकी थी। बेचारा चीड़ा और वह दोनों बच्चे उस मृत चिड़िया के शरीर के पास बैठ कर रोते रहते हैं। अरे सेठानी जी, आज इस चीड़े को क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? सेठ और सेठानी दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी चीड़ा चिड़िया की लाश को उठाकर घोंसले से बाहर निकलता है और पेड़ के नीचे आकर एक गड्ढा खोदने लगता है ताकि वह अपनी पत्नी को पेड़ के नीचे दफना सके। अरे ये क्या, ये चिड़िया तो मर गई है, तो इसका मतलब ये चीड़ा इसी के लिए रो रहा था। अजी, यह तो कितना बुरा हुआ, बेचारे की पत्नी की मृत्यु हो गई, बेचारा अब तो अकेला ही रह गया। इसी प्रकार चीड़ा के दिन गुजरने लगे, वह अकेले ही बच्चों की देखरेख करता है। एक दिन की बात है, चीड़ा बच्चों के लिए खाने की तलाश में घूम रहा था। मुझे घूमते घूमते इतना समय हो गया, लेकिन अभी तक मुझे खाना तो मिला ही नहीं। हे हे भगवान, मेरे लिए ना सही, मेरे बच्चों के लिए खाना दे दीजिए। अरे क्या बात है, आप इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? अरे मैं आपको क्या बताऊं,
आज मैं सुबह से खाने की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खाना नहीं मिला है। अरे आप परेशान मत होइए, आप मेरे साथ चलिए। मैं एक ऐसा खेत जानती हूँ जिसमें ढेर सारे अनाज के दाने पड़े हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से उड़ पड़ते हैं और जल्दी ही उसी खेत में पहुँच जाते हैं। चीड़ा जल्दी से कुछ दाने चुन लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये खाना दिया। आपकी वजह से मेरे बच्चों को खाना मिल पाएगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चीड़ा अपनी चोंच में कुछ अनाज के दाने रख लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। अब तो वह चीड़ा रोज उसी खेत में दाने चुनने के लिए आता है और उस चिड़िया से मिलता है। इसी प्रकार उन दोनों को काफी दिन गुजर जाते हैं। अब तो वह चीड़ा और चिड़िया दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं और उन दोनों ने जल्दी ही विवाह भी कर लिया। अरे सेठानी जी, आज तो ये चीड़ा बड़ा ही खुश दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है चीड़े ने कोई दूसरा विवाह कर लिया है। हाँ हाँ आप एकदम ठीक कहते हैं। चिड़िया ने चीड़े के साथ विवाह तो कर लिया था, लेकिन वह चीड़ा के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, चीड़ा कहीं बाहर गया हुआ था। वह चिड़िया अकेली ही घोंसले में बच्चों के साथ थी। अरे सेठ जी, आज वह चीड़ा तो अपने घोंसले में है ही नहीं। सेठ और सेठानी जी दोनों पेड़ की तरफ देख ही रहे थे, तभी उस चिड़िया ने दोनों बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक दिया। बच्चे पेड़ से नीचे गिरते ही मर जाते हैं। अरे राम राम, इस दुष्ट चिड़िया ने तो बेचारे बच्चों को नीचे फेंक दिया। ये तो कितने दुष्ट है। हाँ सेठानी जी, ये चिड़िया तो वाकई कितनी दुष्ट है जिसने इन मासूम बच्चों को नीचे फेंक कर मार दिया। जी आज मैं बहुत दुखी हूँ। जब से मैंने उस चिड़िया की यह करतूत देखी है, तब से मेरे मन में एक सवाल गूंज रहा है। लेकिन सेठानी जी, आखिर आपके मन में ऐसा क्या सवाल चल रहा है, मुझे जल्दी बताइए। सेठ जी, मेरा मन कहता है यदि कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरा विवाह मत करना। यदि आपने दूसरा विवाह कर लिया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। अरे नहीं नहीं सेठानी जी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। अगले ही दिन सेठानी की भी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे सेठानी जी, आज आप इतना देर तक सोती रही, क्या बात है। अजी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सेठ जैसे ही सेठानी के सिर को छूकर देखता है तो सेठानी जी को बहुत जोर का बुखार था। अरे सेठानी जी, आपको तो बहुत जोर का बुखार है। अरे हरिया, जल्दी से वैद्य को बुला कर लेकर आओ। हरिया तुरंत ही वहाँ से जाता है और जल्दी ही वैद्य के पास पहुँच जाता है। वैद्य जी आप जल्दी चलिए, हमारी सेठानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वैद्य इतना सुनते ही हरिया के साथ चल पड़ता है, लेकिन हरिया वैद्य को लेकर जब तक पहुंचता है तब तक वह सेठानी भी इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। सेठानी जी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना अकेला क्या करूँगा। इसी प्रकार वह सेठ तथा वह दोनों बच्चे बेचारे रोते रहते हैं। फिर सेठ अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। जब से सेठानी जी की मृत्यु हुई थी तब से सेठ गुमसुम रहने लगता है। सेठ को गुमसुम देखकर उसके दोनों नौकर हैरान थे। अरे हरिया भाई, यदि ऐसे ही सेठ जी का हाल रहा तो हमारा क्या होगा। हाँ हाँ खुरई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। तो हम लोग क्यों ना ऐसा करे कि सेठ जी का दूसरा विवाह करवा दिया जाए। हाँ हाँ आर्या, तुम एकदम ठीक कहते हो।
इतना सोचकर दोनों सेठ के पास जाते हैं। सेठ जी, यदि आप बुरा ना माने तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है हरिया, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? सेठ जी, आपकी ये उदासी हम दोनों से देखी नहीं जाती है। आप मेरी माने तो आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अरे नहीं हरिया, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। लेकिन सेठ जी, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो आपका कारोबार कौन संभालेगा? यदि आप कारोबार संभालेंगे तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? इसीलिए आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। दोनों नौकर सेठ को काफी देर तक समझाते हैं। अंततः सेठ दूसरे विवाह के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर सेठ बड़े ही धूमधाम से दूसरा विवाह कर लेता है। जब सेवा दूसरी सेठानी घर आई थी, तब से उस सेठानी का व्यवहार सभी के लिए काफी ज्यादा खराब था। वह सेठ के दोनों लड़कों को काफी ज्यादा परेशान करती थी और उनको छोटी छोटी बातों पर डांटा करती थी तथा उनकी शिकायत सेठ से किया करती थी। अरे राम और श्याम, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, चलो जल्दी से उठो और जाओ मेरे लिए बाजार से मिठाई लेकर आओ। लेकिन माँ, घर में तो नौकर है, आप उनसे मिठाई मंगवा लीजिए, आप हमें बाजार में क्यों भेज रही हैं? अरे दुष्ट, तू मेरे साथ जुबान लड़ाता है, रुकाने दे तेरे पिता को, मैं तुम दोनों की शिकायत सेठ जी से करूँगी। अरे सेठानी जी, क्या बात है, आज आप फिर से उदास होकर बैठी हैं। जी सुनिए ना, आपके ये दोनों पुत्र दिन पर दिन जितने बड़े होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा कामचोर भी होते जा रहे हैं। आज आपको फैसला करना ही होगा, या तो आप मुझे ही रखो अपने पास, या फिर उन दोनों लड़कों को ही। यदि आप उन दोनों को रखोगे तो आज मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। सेठानी के मुंह से यह बात सुनते ही सेठ बहुत घबरा जाता है। अरे हरिया, तुम दोनों कहाँ हो? जी मालिक, बोलिए हमारे लिए क्या आदेश है? हरिया और गुरई, तुम दोनों जाओ और राम श्याम को कहीं दूर जंगल में छोड़ कर आओ, जहाँ से वो दोनों कभी वापस लौट कर ना आ सके। लेकिन मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपने ही पुत्र को जंगल में छोड़ने की बात कर रहे हैं। हरिया, मैंने तुमसे जितना कहा है बस उतना ही करो। सेठ के मुंह से यह बात सुनते ही हरिया और गुरई दोनों सेठ के लड़कों के पास जाते हैं। अरे राम और श्याम, आज हम लोग जंगल में टहलने के लिए चल रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। हाँ हाँ चलिए हरिया भैया। इतना कहकर वह दोनों नौकर उन दोनों लड़कों को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। अरे बाप रे बाप, हम लोग चलते चलते काफी दूर निकल आए हैं। अरे बेटा, हम लोग यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, नदी तो पास में ही है, हम लोग यहाँ पर पानी भी आसानी से पी सकते हैं। इतना कहकर वे चारों उसी पेड़ के नीचे लेटकर सो जाते हैं। अरे हरिया भाई, जल्दी से उठो और जल्दी ही यहाँ से वापस चलो, कहीं यह दोनों जग गए तो समस्या हो जाएगी। इतना कहकर दोनों वहाँ से जल्दी भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब श्याम की आंखें खुलती हैं, तो देखता है हरिया और गुरई दोनों वहाँ से जा चुके थे। भैया आंखें खोलिए, भैया देखिए वो दोनों लोग कहाँ चले गए। लेकिन भाई,
वो दोनों कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है हमारी माता ने हमें घर से निकलवा दिया है। लेकिन भैया, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? छोटे, अब तो हम वही जाएंगे जहाँ हमें हमारी किस्मत लेकर जाएगी। उसी पेड़ पर दो पक्षी बैठे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। अरे स्वामी, कुछ बात कहो तो कुछ समय कटे। अरे क्या कहूँ रानी, इस पेड़ पर दो फल लगे हैं। यदि कोई इंसान इसमें से एक फल खा ले तो वह भविष्य में एक राजा बनेगा, और दूसरा फल यदि कोई खा ले तो वह भविष्य में एक मंत्री बनेगा। उन दोनों पक्षियों की ये सारी बातें नीचे खड़े होकर वो दोनों भाई सुन रहे थे। अरे श्याम, तुम यही रुको, मैं इन फलों को तोड़ता हूँ। राम जल्दी से एक पत्थर उठाता है और पेड़ पर फेंकता है। पत्थर जैसे ही फलों पर लगता है तो दोनों फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों भाई एक एक फल उठाकर खा लेते हैं। फिर वे दोनों भाई वहां से चल देते हैं, लेकिन उनकी माता की तस्वीर वहीं पेड़ के पास गिर जाती है। वे दोनों चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं। अरे श्याम, हमारी माता की तस्वीर क्या तुम्हारे पास है? नहीं भैया, माँ की तस्वीर तो आपके पास ही थी। श्याम, मुझे लगता है हमारी माँ की तस्वीर वहीं पेड़ के पास ही गिर गई है। अरे श्याम, तुम यही रुको, मैं अभी तस्वीर उठाकर ले आता हूँ। इतना कहकर राम तस्वीर उठाने के लिए जाता है। जैसे ही वह उस पेड़ के नीचे पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ की तस्वीर उसी पेड़ के नीचे पड़ी है। वह जल्दी से तस्वीर को उठाता है और जाने लगता है। तभी एक जहरीला सर्प उसके पैर में डस लेता है तो वह वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। अरे भैया को गए हुए तो काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक वो लौट कर नहीं आए हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं आ गए? चलो चलकर देखता हूँ। इतना सोचकर वह जल्दी से पेड़ के पास जाकर देखता है तो उसका भाई मृत होकर जमीन पर पड़ा है। यह देखकर वह रोने लगता है। भैया, आपको क्या हो गया? उठो भैया, उठो भैया। क्या आप भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे? पहले तो हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई, और आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मैं जीकर क्या करूँगा? अब मैं भी इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। इतना सोचकर वह भी नदी के किनारे पर पहुँच जाता है, और जैसे ही वह नदी में छलांग मारने के लिए आगे बढ़ता है। रुक जाओ पुत्र, तुम ये क्या करने जा रहे हो? तुम कौन हो बेटा, और इस प्रकार नदी में कूदने के लिए क्यों जा रहे थे? बाबा, मेरा नाम श्याम है और ये मेरा भाई है। फिर श्याम अपनी सारी कहानी उस साधु को बताता है। श्याम की यह सारी दुख भरी कहानी सुनकर साधु को उस पर दया आ जाती है। बेटा, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर देता हूँ। फिर साधु अपनी शक्तियों से राम को पुनः जीवित कर देता है। हे साधु बाबा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर दोनों भाई वहां से चल पड़ते हैं। दोनों भाई चलते चलते एक ऐसे राज्य में पहुंचते हैं जहां का राजा कुछ दिन पहले ही मर गया था, और वहां के लोग एक नए राजा की तलाश कर रहे थे। वहां का नियम था कि राजा का घोड़ा जिस किसी युवक के पास जाकर उसे स्पर्श कर ले तो वह ही उसी राज्य का राजा बन जाता था, चाहे वह इंसान अमीर हो या गरीब। जहां यह प्रतियोगिता चल रही थी, दोनों भाई वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं। घोड़ा चारों तरफ घूमते हुए आता है और राम के पास आकर खड़ा हो जाता है और राम को स्पर्श कर लेता है। अरे ढोल बजाओ, खुशियां मनाओ, हमारे नए राजा मिल गए हैं। इस प्रकार राज्य के सारे लोग मिलकर राम को ही उस राज्य का राजा बना देते हैं, और फिर राम अपने भाई श्याम को ही उस राज्य का मंत्री बना देता है। फिर दोनों भाई आराम से उस राज्य में राज करने लगते हैं।